हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। वी आर हेयर अगेन विद द चैप्टर ऑल अबाउट द रिसोर्सेज, क्लास 8th ज्योग्राफी। एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सो स्टूडेंट्स, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यहाँ पर थ्री टर्म्स हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो यानी कि ये थ्री वर्ड्स हैं, ये अपने आप ही अपना एक्सप्लेनेशन जो है वो दे रहे हैं। कैसे? यानी इनसे ही पता चल रहा है हमें कि वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन ने बनाए हैं, दैट आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। अब कैसे बनाए हैं ये बात अगर हम देखें, तो नेचुरल सब्सटेंसेस को उनकी ओरिजिनल फॉर्म से चेंज करके उनको किसी न्यू फॉर्म में चेंज कर दिया ह्यूमन ने, उसी को हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। यानी सब्सटेंस कैसा है? नेचुरल है, उसकी ओरिजिनल फॉर्म में कुछ ना कुछ चेंज करके टेक्नोलॉजी के थ्रू या फिर आपके केमिकल के थ्रू हमने उसकी नेचुरल फॉर्म को ह्यूमंस ने किसी दूसरी फॉर्म में चेंज कर दिया और एक न्यू रिसोर्स बना दिया, दैट आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जांपल में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट क्या होता है, जो अर्थ है, अर्थ से जो आयरन है, वो आयरन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं निकलता है, बल्कि आयरन आयरन ओर की फॉर्म में निकलता है और ये बिकम अ रिसोर्स, रिसोर्स बन जाता है। कैसे बन जाता है? व्हेन पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट, कब रिसोर्स बना? जब पीपल ने आयरन ओर से आयरन को निकालना, यानी आयरन से आयरन ओर को जो से आयरन को जो एक्सट्रैक्ट कर लिया, अलग कर लिया, इसको निकालना सीख लिया, तभी ये आयरन जो है वो एक रिसोर्स बन गया, ठीक है। अब इसने किस तरीके से किया? तो ह्यूमन इंट्रैक्ट विद नेचुरल सब्सटेंस, नेचुरल सब्सटेंस की तरफ ह्यूमंस जो हैं वो इंट्रैक्ट हुए, टू क्रिएट रिसोर्सेज, रिसोर्स क्रिएट करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर नीड। मान लो ह्यूमन को आयरन की या किसी हार्ड सब्सटेंस की नीड हुई, तो इसलिए नेचुरल जो सब्सटेंस था ह्यूमन उसकी तरफ इंट्रैक्ट हुआ, और इंट्रैक्ट होने के लिए उसके पास क्या थी? एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी थी, और उस टेक्नोलॉजी से उसने उस नेचुरल सब्सटेंस को उसकी ओरिजिनल फॉर्म से चेंज करके किसी न्यू फॉर्म में चेंज किया, तो उसी को हम कहते हैं मैन मेड रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, आयरन ओर से आयरन को अलग किया प्यूपल ने, आयरन को एक्सट्रैक्ट किया प्यूपल ने और इसे एक रिसोर्स बना दिया, इसलिए हम इसको मैन मेड रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड। अब बिल्डिंग, बिल्डिंग की ज़रूरत किस लिए हुई? रहने के लिए, तो बिल्डिंग बनाई, ठीक है। ब्रिजेस की ज़रूरत क्यों हुई? रिवर क्रॉस करने के लिए, तो ब्रिज बनाए। रोड्स की ज़रूरत क्यों हुई? ट्रांसपोर्ट को ईजी करने के लिए, तो रोड्स बनाए। अब इन चीज़ों में जो सब्सटेंस यूज़ हुए, सीमेंट, आयरन की रॉड्स, ठीक है, तारकोल, ये सारी चीज़ें जो यूज़ हुई, ब्रिक्स, वो कैसे सब्सटेंस हुए? हुए तो नेचुरल सब्सटेंस, लेकिन इनको यूजेबल फॉर्म में चेंज किसने किया? वो ह्यूमन ने किया, और ह्यूमन ने नेचुरल इनको यूजेबल फॉर्म में जो चेंज किया, इसीलिए ये ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाए, ठीक है। दीज टाइप्स ऑफ रिसोर्स आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो जो बिल्डिंग है, ब्रिज है, रोड है, ये बने तो नेचुरल सब्सटेंसेस से हैं, यानी सीमेंट, ठीक है, आयरन की रॉड्स या ब्रिक्स, ये सारी चीज़ें बनी किससे हैं? नेचुरल सब्सटेंसेस से ही बनी है, लेकिन इन बिल्डिंग को, ब्रिज को, रोड को बनाया किसने है? बनाया किसने है? ह्यूमन ने। सो दैट ये चीज़ें जो हैं वो क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल सब्सटेंस का यूज़ हुआ है, बट ह्यूमन ने अपना माइंड यूज़ किया है इसमें, अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है बनाकर, इसलिए ये ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाए। अब नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी आती है, एक हमने नेचुरल के बारे में डिस्कस किया, दूसरा हमने ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया, थर्ड हमारी आती है ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी ह्यूमन खुद भी रिसोर्सेज। अब ह्यूमन कैसे रिसोर्स है? तो ह्यूमन बीइंग के पास क्या क्या होता है? स्किल्स होते हैं, उसके पास इंटेलिजेंस है, ठीक है, सोचने समझने की जो ताकत है वो है, नॉलेज है उसके पास, इसके बाद उसके पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और ये चारों चीज़ें जिसके पास हैं, स्किल, इंटेलिजेंस, नॉलेज और टेक्नोलॉजी जिसके पास है, वो क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है नेचुरल रिसोर्स को वैल्यूएबल थिंग्स में, ठीक है। किसके थ्रू? स्किल्स के थ्रू, इंटेलिजेंस के थ्रू, नॉलेज के थ्रू और टेक्नोलॉजी के थ्रू। ये सारी चीज़ें जिस ह्यूमन के पास हैं,
वो ह्यूमन क्या करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को वैल्यूएबल थिंग्स में चेंज कर देता है। दिस मेक प्यूपल आ स्पेशल एंड वैल्यूएबल रिसोर्स। और ये चारों चीज़ें ही प्यूपल को या ह्यूमन को क्या बना देती हैं, एक स्पेशल वैल्यूएबल रिसोर्स बना देती हैं। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास स्किल उसके स्किल्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ है उसके पास, या वो डीप है, ठीक है, उसके पास इंटेलिजेंस नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, या उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो क्या होगा, वो रिसोर्स के रूप में ह्यूमन नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इन चीज़ों को, इन चारों चीज़ों के बेस पर किसी भी नेचुरल रिसोर्स को किसी वैल्यूएबल चीज़ में चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये चारों चीज़ें ह्यूमन के अंदर आती कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट जो है वो थ्री बेसिस पर होता है, तीन चीज़ों के बेस पर होता है। किन किन? एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, तीसरा स्किल्स, ठीक है। हर इंसान के अंदर एक से स्किल्स नहीं होते हैं, किसी की आर्ट बहुत अच्छी होती है, किसी के का दिमाग जो है वो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा चलता है, ठीक है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, किसी का दिमाग जो है वो अपना साइंटिस्ट वाला दिमाग होता है, नई नई चीज़ों के आविष्कार करने में होता है, ठीक है, कोई टीचर बनना चाहता है। तो हर इंसान के अंदर स्किल्स अलग अलग होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या लेता है, एजुकेशन लेता है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी स्टडी करता है। इसके अलावा जो तीसरा रोल है वो उसकी हेल्थ का भी रोल, उसका मान लीजिए किसी इंसान के पास स्किल्स भी हैं, उसके पास टेक्नोलॉजी भी है, नॉलेज भी है, इंटेलिजेंसी भी है, ठीक है, पढ़ा लिखा भी बहुत है, बहुत कुछ कर सकता है, बट उसके पास उसकी हेल्थ नहीं है, तो जो ह्यूमन जो हमारा रिसोर्स है उसके डेवलपमेंट के लिए तीन चीज़ों का होना, इन थ्री फैक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से? एक तो पढ़ा लिखा हो, एजुकेशन हो, दूसरी उसके पास हेल्थ हो, और तीसरे उसके पास स्किल्स हो। इनहेंस द क्वालिटी ऑफ पीपल, ये सारी चीज़ें क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं पीपल की क्वालिटी को, और दिस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ अदर रिसोर्सेज। और ये चीज़ें जो हैं वो दूसरे रिसोर्स के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो दूसरे रिसोर्सेज हमने पीछे पढ़े हैं उन सबको उनकी ओरिजिनल फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलने में हाथ किसका? ह्यूमन का है। और ह्यूमन कब बदलेगा? जब उसके पास स्किल्स हो, उसके पास नॉलेज हो, उसके पास इंटेलिजेंसी हो, ठीक है, उसकी हेल्थ अच्छी हो, तभी तो बदलेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं क्वालिटी कर देती, क्या करती हैं, एनहेंस कर देती हैं पीपल की क्वालिटी को, और यही हेल्प करती हैं अदर रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में, ठीक। अब बात आती है कंजर्विंग ऑफ रिसोर्सेज की, यानी हमें रिसोर्स को कंजर्व क्यों करना चाहिए, जबकि हम ये देख रहे हैं कि रिसोर्सेज जो हैं वो फ्री गिफ्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें रिसोर्सेज को इसलिए कंजर्व करना चाहिए बिकॉज जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में हमको पहले से ही सब कुछ पता है, ठीक है, और हम कंटिन्यूसली उनका यूज़ कर रहे हैं। अगर इसी तेज़ी से हम उनका कंटिन्यूसली यूज़ करते रहे तो क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उनकी फॉर्म थाउजेंड्स ऑफ ईयर में जो रिन्यू हो पाती है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर में रिन्यू होगी, लेकिन हम उनका कंजप्शन बहुत तेज़ी से कर लेंगे और आगे आने वाली जो जनरेशन है हमारी उनको वो सारे रिसोर्स नहीं मिल पाएंगे, इसलिए हमें इनका कंजर्वेशन करना चाहिए। तो स्टूडेंट, मैनमेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज बोथ डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। हमने अभी रिसोर्सेज को एक नेचुरल, एक मैनमेड और एक ह्यूमन, दोनों तीन कैटेगरी पढ़ी है ना, तो जो मैनमेड रिसोर्सेज हैं और जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो दोनों ही किस पर डिपेंड करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि ह्यूमन जो है कोई भी रिसोर्स अपने आप नहीं बनाता, बल्कि वो जो सब्सटेंस है जिससे वो चीज़ें बनाता है, ब्रिज बिल्डिंग रोड्स बनाता है, वो सब्सटेंस सारे नेचुरल ही हैं, ठीक है, तो इसलिए नेचुरल रिसोर्स पर ये दोनों रिसोर्स डिपेंड करते हैं। इफ़ इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, इसीलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ नेचुरल गिफ्ट। गिफ्ट ज़रूर है ये नेचर के फ्री, लेकिन हमें ये ज़रूरी है कि हम इनकी वैल्यू को समझ सकें, ठीक है, हम इनकी वैल्यू को समझ सकें और उनको बहुत ही जुडिशियल वे में यूज़ कर सकें, ठीक है। सो वी नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, इसलिए हमें इन रिसोर्सेज को अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व करना होगा, बचा करके रखना होगा, और हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के मुकाबले में रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करना होगा। अब अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को ये वाले रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे। तो इसके लिए हम करना क्या चाहिए, तो वी शुड प्रैक्टिस 3R सिस्टम। 3R सिस्टम कौन सा होता है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। यानी हम रिड्यूस करें रिसोर्सेज का, उनका रीयूज करें, दोबारा से यूजेबल फॉर्म में लाएं, और रिसाइकिलिंग भी करें। किस लिए करें? टू एक्सटेंड द अवेलेबिलिटी ऑफ आवर रिसोर्सेज, जिससे कि हमारी
रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और इस चैप्टर की ऑल एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स हम आपको PDF के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।